फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे किचन में आपका स्वागत। आज मैं आपको केसरिया रबड़ी बनाना बता रही हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 1 लीटर दूध लिया है। मेरा फुल क्रीम मिल्क है ये। इसलिए मैंने भैंस का दूध लिया। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करने के लिए रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दिया है। मैंने ये 1 लीटर पूरा दूध, देखिए आप इसमें देख सकते हैं मलाई पूरी दिख रही है। मैंने 1 लीटर पूरा दूध लिया इसमें। सबसे पहले हम दूध को अच्छे से उबाल आने तक गर्म करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप दूध को बीच बीच में चलाते जाइए। मैं दूध को एक बार बॉईल कर चुकी हूँ पहले, इसलिए आपको इसमें इतनी मलाई दिख रही है। मैं इसे उबाल के ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद मैं इसकी बना रही हूँ, इससे कि हमारा दूध की जो मलाई है वो अच्छे से इसमें पूरी देखिए मिक्स होने लग जाएगी। तो ये हमारी एकदम लच्छेदार बनेगी। ये देखिए, इस तरह से पूरा इसमें मलाई के रेशे दिखते हैं। बस इसे आप हल्के हल्के हाथों से लाइए। मैं इसमें उबाल आने की दे रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें उबाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे दूध में अच्छे से उबाल आ गए हैं। मैंने गैस को एकदम मीडियम कर दिया है। तेज में करेंगे तो हमारा दूध उफरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मैंने इसलिए मीडियम गैस रखा है। बस इस तरह ये उबलती रहेगी। ये मैंने देखिए फ्रेंड्स, 8 से 10 केसर के धागे लिए हैं। इसे मैंने इसमें डाल दिया ताकि उबलते उबलते ये अपना पूरा कलर इसमें बहुत अच्छे से छोड़ दें। आप खुद देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं भी इसमें डाली हूँ, पूरा कलर इसका हल्का हल्का येलो होने लगा है। बस इसी तरह हमें इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक हमें पहले उबालना है। देखिए फ्रेंड, इस पर ये इस तरह से मलाई आने लगी है। आप इस तरह से मलाई को साइड में करते जाइए। जितने अच्छे से मलाई को आप साइड में करेंगे, उतनी जल्दी हमारा दूध उबल के गाढ़ा भी होने लगेगा। तो बस आप मलाई को इस तरह थोड़ा साइड में करते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, मुझे ये 100 ग्राम शक्कर लगेगी। मैंने एक काजू को थोड़ा सा हल्के हल्के टुकड़ों में तोड़ लिया है। ये मैंने बादाम लिए, बादाम को मैं किसनी में किस किया और एकदम बारीक बारीक करूँगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है। जब तक ये हमारा दूध अच्छे से उबल रहा है, दूध को हम एकदम गाढ़ा करेंगे। अभी हमारा दूध अभी थोड़ा गाढ़ा हुआ है, अभी काफ़ी गाढ़ा। देखिए आप ये देख सकते हैं साइड में किस तरह से पूरा ये मलाई हमारी जम रही है। नॉन स्टिक में बनाने से ये फ़ायदा रहता है कि हमारी जिसकी मलाई रहेगी, हम इसे निकालेंगे तो एकदम इजीली निकल जाती है। बस इस तरह आप इसे हिलाते हिलाते बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से बादाम को अच्छे से एकदम बारीक आलू किसनी जो रहती है उसमें कीस के इसे मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा दूध ये लगभग आधा उबल चुका है। देख सकते हैं इसमें कितनी सारी मलाइयाँ एकदम जम गई। दूध भी मेरा अच्छा काफ़ी गाढ़ा हो गया है अभी, लेकिन हमें इसे और गाढ़ा करना है। हम इसे अभी 10 मिनट और उबालेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे। आप मलाई को बीच बीच में निकालते जाइए ताकि ये इसमें दूध को जल्दी गाढ़ा करेगी। देखिए आप, दूध में पूरा मलाई इसके अंदर दिख रही है। इसमें पूरी मलाई अच्छे से आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे एकदम अच्छे से अब गाढ़ी होने लगी है। इसे आप देख सकते हैं, ये देखिए एकदम रबड़ी के इसमें पूरी आने लगी है। अब ये इसके अंदर हम शक्कर डालते हैं। इस तरह से इसमें शक्कर ऐड कर दीजिए। मैंने 100 ग्राम शक्कर ली है, आप इसे पूरा डाल दीजिए। उसके बाद आप टेस्ट कर लीजिए एक बार। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, हमें थोड़ी सी मीठी ज़्यादा पसंद है, तो इसके अंदर आप शक्कर और अभी ही डाल सकते हैं। तो शक्कर मेल्ट हो जाए उसके बाद आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुझे 10 मिनट हो गए शक्कर डालने के बाद। आप इसे देख सकते हैं, अब एकदम गाढ़ी हो गई। ये देखिए, ये ठंडी होने के बाद और अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं मलाई भी हमारी कितनी अच्छी दिख रही है। जो हमने ड्राई फ्रूट्स इलायची ली थी, सबसे पहले हम इलायची डाल देते हैं इसके अंदर। मैंने काजू लिए, आधे काजू आप डालिए, आधे रोक लीजिए। मैंने बादाम लिए, बादाम भी आप आधी डालिए, आधे को थोड़ा सा रोक लीजिए। हम इसे बस 2 मिनट और करेंगे ताकि हमारे इसमें ड्राई फ्रूट्स अच्छे से गल जाएंगे। आप जिसकी आसपास में जो मलाइयाँ जमी है पूरी उसे आप निकाल दीजिए। ये देखिए हमारी मलाई कितनी अच्छी जमी है इसके अंदर। नॉन स्टिक के अंदर बस यही फ़ायदा है कि कोई भी आप गाढ़ी रबड़ी वाली चीज़ें बनाएं, उसके अंदर मलाइयाँ हमारी चिपकती नहीं ज़्यादा। जिस तरह से हमें निकालना है उस तरह से आसानी से निकल जाती है। बस आप ये सब बंद कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये रबड़ी बन के तैयार हो चुकी है। जो हमने ड्राई फ्रूट्स भेजाए थे, थोड़े से ऊपर से आप इसके अंदर डाल दीजिए। काजू,
थोड़ा सा बादाम जो हमने बचाया था उसे भी आप डाल दीजिए। इसे आप देखिए कितनी अच्छे से मेरी गाढ़ी हो गई, अभी एकदम गर्म है, ठंडी होने के बाद और अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, अगर आपको फ्रेंड्स मेरी ये रबड़ी की, ये मैंने केसरिया रबड़ी बनाई है, अगर आपको ये केसरिया रबड़ी की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।